फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। और मैं अभी सो के उठी हूँ और शाम के बज रहे हैं 5:05 हो रहे हैं और मैं अभी सो के उठी हूँ क्योंकि आज मेरी थी छुट्टी, तो मैंने सोचा आज हम सो ही लेते क्योंकि शाम के टाइम मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। सारे दिखने में थोड़े हैं लेकिन ये बहुत सारे कपड़े हैं, वो थोड़े से दिख रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। मैंने रात में ही धुल के सो गए थे हम। और अभी जब हस्बैंड को जॉब पे जा रहा था तब दोनों सो के उठे यार, बस बोर हो गए हैं, जा रहे हैं नहाने। देखो बहुत सारे कपड़े देखो रखे हैं बाथरूम में, अभी मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं किया। देखो सारे सामान ऐसे ही पड़े हैं, सो रहे थे तो कौन काम करेगा। ये देखो उधर दो जींसें उधर पड़ी हैं उधर, और उधर कूड़ा रखा है, अभी सब क्लीन करना। अभी बर्तन धुल के उठे, सो के उठे, तुरंत गए 2-4 बर्तन थे वो मैंने धुले। फिर सोचिए थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ले, फिर और ये मैंने कपड़े प्रेस करके भी रख लिए, नहाने के बाद पहनना है क्योंकि नमाज पढ़ना है, आज मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी है। चलो अच्छा, नहाने के बाद मिलते हैं हम आपको, थोड़ा नहा लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया नमाज पढ़ने का। और आज सैलरी आनी थी यार, सैलरी नहीं आ रही, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। शाम हो गई और मैं नहा के बैठी हूँ, अभी रोज़े का टाइम हो रहा है, अब जा रहे हैं मैं रोज़ा। हम नहा के हो गए हैं रेडी और अभी हो रहा है शाम के 6:50, मैं आपको घड़ी भी दिखा देती हूँ देखो। और अभी हो रहा है मेरा रोज़े का टाइम और रोज़ा इफ्तार करने का टाइम हो गया है, अभी चल रहे हैं हम रोज़ा इफ्तार करने। मैंने रोज़ा इफ्तार के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया, बस तरबूज लाया, कच्ची दावेली लाई और मैंगो जूस लाया। अकेले हैं यार, अकेले क्या खाएं, हम अकेला नहीं अच्छा लगता है। चलो हमारा रोज़े का टाइम हो रहा है, रोज़ा खोलने के बाद फिर आपको मिलेंगे हम थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए आप लोग भी कुछ खा पी लीजिए ठीक है, बाय। मेरा इफ्तार बस इतना सा, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है और लाने का भी मन नहीं हो रहा क्योंकि पति तो ड्यूटी पे हैं, अकेले क्या हम खाएं, अच्छा नहीं लगता अकेले इफ्तार पर। आज आप लोगों को चीज़ बताना था मेरे से, मेरी आजी जो थी ना वो एक्सपायर हो गई, मुझे उनको देखे हुए भी 7-8 साल हो गए और उनके आखिरी टाइम पे भी मैं उनके साथ, भले वो लोगों को प्यार नहीं करती थी लेकिन वो यार अपनी थी। हम लोगों को भी अपनी दादी का प्यार नहीं मिला था लेकिन अपने जब अपना कोई हमें छोड़ के जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, और उनकी एज भी हो गई थी, काफ़ी हो गई थी, और मुझे आज तीसरे दिन को पता चल रहा है मेरी दादी खत्म हो गई, तीसरे चौथे दिन 27 अप्रैल को एक्सपायर हुई, आज 30 अप्रैल है। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मेरी दीदी का लड़के ने बोला आज ही एक्सपायर हो गई और सब लोग वहीं पे गए, क्योंकि मैं नहीं जा सकती वहाँ पे, मेरी बहुत तकलीफ होती है यार। मैं
सुपर वाले बिरयानी की आत्मा को शांति दे। जब मेरे पापा भी एक्सपायर हुए थे तब भी मैं नहीं थी उन लोगों के पास, तब तो मैं बहुत छोटी थी और मैं बहुत ही छोटी थी, मैं तब तो 2002 या 2001 की बात है, तब मैं बहुत ही छोटी थी, ना समझती। तो मैं अपने बुआ के पास गई थी घूमने के लिए, तो मेरी बुआ मुझे लेके नहीं आई थी, बोल तुम क्या करोगी वहाँ जाके, तुम यहीं पे रहो। तब भी मैं नहीं आई थी, मैं मेरे बाबा जब एक्सपायर हुए तब भी मैं वहाँ पे नहीं थी, और मेरी दादी एक्सपायर हुई तब भी मैं नहीं हूँ वहाँ पे। मुझे बहुत याद आती यार, लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं, मुझे दुख है और मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ। नहीं यार, आप लोग भी तो मेरी फैमिली जैसे ही हो ना, तो आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है कि तकलीफ क्या होती है, कैसे होती है। सबकी तकलीफ एक जैसी होती है, जब कोई अपना आपको छोड़ के जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, भले वो आपसे प्यार करे ना करे, वो आपके साथ हो या ना हो, लेकिन वो तकलीफ जो है बहुत होती है। हाँ शायद मैं उनके पास होती उतना, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैं नहीं, मैंने देखा भी नहीं, मैंने बहुत दिन हो गया उन लोगों को नहीं देखा है, घर वालों को नहीं देखा है। ये मुझे हो रही है तकलीफ, 7-8 साल से किसी को नहीं देख, तो मुझे मेरी तकलीफ पता है कि तकलीफ कैसे होती है। जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर जिसने भी ये तकलीफ सही होगी ना, तो उसको इसकी तकलीफ का अंदाजा होगा कि जब अपना कोई, भले वो कैसा भी हो, भले उसकी एज हो गई हो, कुछ भी हो गई हो, जाना तो एक दिन सबको है ही है, ऐसा कहा है ये कोई नकार नहीं सकता, हमें जाना नहीं है, जाना तो सबको एक दिन है, लेकिन जो ये तकलीफ होती है ना, ये तकलीफ बहुत ही वो होती है। कभी कुछ किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई किसी के पास ना हो, हम मेरे सबकी ज़िंदगी बनी रहे, यूँ ही सब खुश रहे हमेशा, भले मैं किसी के पास रहूँ या ना रहूँ, देखूँ या ना देखूँ, लेकिन सब हमेशा खुश रहे, कहीं से तो कोई बताए हाँ सब खुश है, तो दिल को कितना सुकून मिलता है। अभी सब मुझे पता सर, मैं रोज़ा खोल के बस बैठी थी, मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने 3 दिन पहले ही ये बात सोची थी, हम आ रहे थे ऐसे ही जॉब से आ रहे थे, और मैंने सोचा था, मेरी दादी कहती थी कि जब मैं मर जाऊँगी तो मुझे जलाना मत, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होगी, मुझे मत जलाना, मुझे ऐसे ही मिट्टी में दफन कर देना। मेरी दादी बहुत मरने से डरती थी, बहुत डरती थी वो। और जब हम लोग बहुत छोटे थे, तब जब मेरे बाबा एक्सपायर हुए थे, तो जब उनको जलाया गया था तो बोली थी मुझे मत जलाना, मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। और मैंने 3 दिन पहले ही ये बात रास्ते में आते आते ही सोची थी ही। मुझे दादी की याद आई थी इसे अचानक से ही, और आज के दिन मैंने सुना कि मेरी दादी ही गई, पता नहीं शायद उन्होंने मुझे याद क्या होगा इसके लिए उसने किया है, क्योंकि लास्ट दिन सब कोई उनके पास से मुझे छोड़ के, मुझे और मेरे एक चाचा को छोड़ के, और मेरे चाचा तो
2002 या 2001 की ही बात है, जब बाबा मेरे एक्सपायर हुए थे, उसके बाद वो गुम हो गए। उसके बाद से वो नहीं मिले, किसी को दिखे नहीं, कौन सी दुनिया में चले गए, पता ही नहीं चला किसी को कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो सिर्फ मैं और मेरे बाबा ही, मेरे चाचा ही नहीं उनके पास, पूरा परिवार उनके साथ था। हाँ, शायद मैं उनके पास होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। मैं जानती हूँ मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, मैं नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं बहुत दिनों से, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और मुझे